अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं आलू की कतलियाँ। बहुत ही झटपट रेसिपी है और आपके किचन में मौजूद मसालों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अज्जा की तरफ। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, आलू मैंने मीडियम साइज़ के 6 अदद लेकर उन्हें इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लिया है। टमाटर मैंने इस साइज़ के 2 लेकर उनकी पेस्ट बना ली है। ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। एज़ यूजुअल पकाने के लिए मैंने लिया है ऑयल और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन स्लाइसेस। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये बहुत ही झटपट रेसिपी है। जब आप तो कुछ बनाने का मूड ना हो तो बस सिर्फ सिंपल आप ये बनाएं, बहुत ही कम वक्त में रेडी हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ज़ीरा जब हम इस स्टेज पे डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ऑयल में भी, और बाद में जब आप आलू की सब्ज़ी खाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। अब इसको हम तब तक फ्राई कर रहे हैं जब तक ज़ीरे की खुशबू ना आना शुरू हो जाए और लहसुन अदरक अपना कलर चेंज ना कर ले। हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लग गया है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी गोल्डन हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी कुटी हुई लाल मिर्च। खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और सॉरी मैं स्टार्ट में आपको नमक का बताना भूल गई। तो नमक हमने लिया है 1/2 टीस्पून। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें ताकि मसाला जले नहीं, और फिर साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करके बस इसे सिर्फ 2-3 बार चक्कर दें। आपकी आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत लो फ्लेम हो और ना बहुत हाई हो, मीडियम फ्लेम रखें। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आलू। उसके बाद बस हम इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आगे मसाला सब आलुओं पर आ जाए। दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, और ये टमाटर के पानी में ही आलू पक जाएंगे, ज़्यादा पानी रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इसको आप 10 मिनट के लिए फार्म कर दें। ये 10 मिनट हो गए हैं और हम आ गए हैं वापस, तो चेक करते हैं अपने आलूओं को। ये देखें आलू की कतलियाँ आराम से, और अब मैं इन्हें करती हूँ डिश आउट। पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, अगर पसंद है तो ऐड करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। तो अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। और ये लें जनाब, रेडी हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली आलू की कतलियाँ। आप लोग इसे ट्राई करें और आप यकीनन इसे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। जब वो आपके पास टाइम कम तो आप तैयार करने जाएं आलू की कतलियाँ, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।